हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है भिकाराम और आप देख रहे हैं BRB फोटो वीडियोज। तो दोस्तों, आज की वेडिंग वीडियो एडिटिंग की है स्टेज के बारे में, तो बहुत अच्छी वेडिंग वीडियो बनने वाली है। ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो उनका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप हमें प्लेलिस्ट वेडिंग वीडियो एडिटिंग में जाकर भी वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर हैं और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक है टेक्निकल भीका, तो वहाँ पर जाइए और उसे समय लाता हूँ। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आ गया मेरे मोबाइल पर और यहाँ से है 60:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद में है जो आपको क्या करना है, मीडिया ब्राउज़र पर जाना है। तो हम मीडिया ब्राउज़र पर चले जाते हैं, वहाँ से आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक को अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो उसका लिंक भी आपको, हमारे चैनल पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि लिंक में दिए गए प्रोजेक्ट को कैसे है जो आपको करना है डाउनलोड। ठीक है, तो इतने वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं जितना वीडियो आप बनाना चाहते हैं उतना आप रखिए। तो मैंने 30 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता हूं, तो मैंने 30 सेकंड का है जो बैकग्राउंड रख लेता हूं, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हटा देता हूं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना। लेयर पर क्लिक करने के बाद में मीडिया पर आपको क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको है जो यहाँ पर एक सीढ़ी का फोटो है, PNG है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से है जो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली सीढ़ी का लिंक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सारे जो भी इफेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट मैंने इसमें काम किया है, वो सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक सिर्फ डीजे लाइट को छोड़ के। क्योंकि डीजे लाइट आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि मुझे डीजे लाइट भेजिए, डीजे लाइट भेजिए। तो डीजे लाइट दोस्तों भेजी नहीं जाती है, उसको काइनमास्टर से ही डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से है जो डीजे लाइट को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक और प्रोजेक्ट पर काम करना है। ठीक है, एक और PNG आपको ले लेनी है। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं और कोई भी आपके वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे सीधी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो है, उसका आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और URL आपको स्क्रीन पर मैंने एंट्री में बता दिया था, तो वहाँ पर से है जो देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर लाइट का जो स्टैंड है उसको आपको यहाँ से हटा देना है। यहाँ से हटाने के बाद में इसको क्या करना है, यहाँ पर रखना है और 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है, यानी कि ये सीढ़ी के पीछे चली जाएगी। ठीक है, और इसको पूरा नीचे ले जाना है यहाँ पर इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, साबी के आइकन पर क्लिक करना है। साबी के आइकन पर क्लिक करने के बाद में आपको प्लस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर ले आना है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा रेंडअप करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे खिसकाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दीजिएगा ताकि ये सीढ़ी है जो एकदम मैच हो सके, 20:20 में आ सके। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक और फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जाइए, लेयर पर जाइए और मीडिया पर जाकर आपको ये सेम, अगर आप डुप्लीकेसी करना चाहते हैं डुप्लीकेसी भी कर सकते हैं। तो मैंने डुप्लीकेसी की नहीं और मैं वही फ़ोटो दोबारा ले लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर है जो इस फोटो को ले लेना है, तो मैं ये वाली फ़ोटो है इसी को सेम ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये स्टेज जो दिख रहा है इसको क्रॉप करना है और लाइट के स्टैंड को आपको रखना है। ठीक है, तो ये मतलब वो कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने, जो काम ये करेगा। ठीक है, एक फ़ोटो में दो काम हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जूम कर लेना और यहाँ पर ऊपर ले जाना है। यहाँ पर ऊपर ले जाने के बाद में आपको है जो एकदम ऊपर ले जाकर यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद में है जो एंट्री एमिनेशन आपको यहाँ पर देने हैं, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें है जो एंट्री एमिनेशन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा, जब ये स्टेज ऊपर आए तो लाइट एकदम इसके ऊपर आनी चाहिए, पहले नहीं आनी चाहिए। तो इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट्स था वो उसको मैंने हटा दिया है, मतलब यहाँ से क्रॉप कर लेना है आपको और इसमें एंट्री एमिनेशन आपको दे देना है। तो एंट्री एमिनेशन में आपको क्या देना है, ये वाला देना है स्लाइड टू ड्रॉप, इसको थोड़ा सा खिसका देना है धीरे धीरे ताकि ये आए, जब स्टेज ऊपर आए तो ये भी एंट्री करे। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं, प्ले करते हैं तो ये जैसे ही आया तो ये लाइटें भी आ गई है स्टैंड। अब इसमें क्या करना है, आपको लाइट के फिल्टर देने हैं। तो उससे पहले आप जो फ़ोटो सेट करना चाहे तो फ़ोटो सेट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली फ्रेमों के लिंक भी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, तो उसको भी आप PNG सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर का फ़ोटो सेट करें या अपने फ्रेंड का सेट कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन वीडियो
स्टेज है जो तैयार किया डीजे लाइटिंग देकर। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर यहाँ तक बने हैं, तो अगर आप पहली बार हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, वेडिंग वीडियो रिलेटेड, फ़ोटो एडिटिंग, ग्रीन स्क्रीन, व्हाट्सअप स्टेटस, हर तरह की वीडियो है जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी देखने को। और अगर आप यूट्यूब रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा टेक्निकल भी का। और अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हैं और एक फ़ोटो अच्छे एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल और भी हैं केपी एडिट करके, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखना है, यहाँ पर रखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट कर देना है इसमें, और एक दूसरी फ़ोटो आपको ले लेनी है जिसका भी वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप वेडिंग वीडियो रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो दूल्हा दुल्हन दोनों की होनी चाहिए, तो आप अपने पार्टनर की फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पर, और इस PNG में इस तरीके से सेट करके जॉइंट फ़ोटो आप बना सकते हैं, या फिर सिंगल भी रखे तो कोई भी है जो अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर इसको जूम आउट कर देना है, यहाँ पर इस फोटो के साथ में यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इसको रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद में आपको लेयर पर क्लिक करना है और लेमिनेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो तीन स्टैंड आपको दिख रहे हैं उसमें दोस्तों लाइट को ऐड करना है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ बनाता हूँ और पूरा पर्टिकुलर समझाता हूँ, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, और मुझे हर बार कमेंट करते रहते हैं भाई लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, पर लाइट भेजना नामुमकिन है क्योंकि मैं नहीं भेज सकता, ये इसका कोई लिंक नहीं होता, ये काइन मास्टर में होती है, और काइन मास्टर का लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो वाला काइन मास्टर आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में ये लाइट मिलेगी। अगर कई लोग बोल रहे हैं कि इनके पैसे मांग रहे हैं, तो वह प्ले स्टोर वाला काइन मास्टर होगा आपके पास, तो वो प्ले स्टोर वाला काइन मास्टर आपको नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये वाली येलो लाइट है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लें ताकि ये दोनों फ़ोटो के ऊपर आराम से गिरे और बहुत अच्छा दिखे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और लाइट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको पसंद आए वो लाइट सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं ये वाली पर्पल कलर वाली लाइट है जो सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पर, और इसको क्या करना है आपको दूसरी वाली लाइट में सेट करना है। तो इसको आप पहले तो रोटेट कर दीजिए इस तरीके से, और इसको जूम आउट कर दीजिए, अब और भी रोटेट कर दीजिए यहाँ से इतनी, ठीक है। और इसको आप सेंड टू बैक करना चाहिए, सेंड टू बैक कर लीजिए, वरना इस लाइट के अंदर स्टैंड के अंदर भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा रोटेट करिए, एकदम एडजस्ट बैठा दीजिएगा। आई होप कि मेरे से वह आप अच्छी एडिटिंग करेंगे, मैं दुआ करता हूँ। और आपको मेरा तो सिर्फ कर्तव्य बनता है कि आपको बताना, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, मैं मेरा कर्तव्य बखूबी निभाता हूँ, आपको एक अच्छी वेडिंग वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ, और ग्रीन स्क्रीन रिलेटेड भी वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि भाई आप ग्रीन स्क्रीन रिलेटेड भी वीडियो लाइए, और मैंने बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन वेडिंग वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है उसके लिए बहुत खुशी होती है, और मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे आगे, और इतना प्यार देते रहेंगे। जो इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उतना ही भाई के दूसरे चैनल पर भी प्यार दीजिए, ताकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो ला सकूँ। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है 2 साल में, जो भी मैंने कुछ सीखा है इस यूट्यूब से, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आप लोग वहाँ पर देख सकें, ठीक है। तो दोस्तों भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तीन लाइट है जो सेलेक्ट कर लेनी है, ग्रीन, येलो और ये पर्पल, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेट कर देना है, और जो भी एकदम बराबर सेट कर देना है सबको यहाँ पर इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो लंबी है, उसके लिए मैं समा साऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई, पर ट्यूटोरियल के साथ है तो आप लोग आराम से देखिए, और बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो देखिए, प्ले करके देखते हैं किस तरीके की वीडियो हमारी बनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत खूब वीडियो बनी है, बहुत अच्छे से, और सारे इफ़ेक्ट भी काम कर रहे हैं एक साथ में। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं कि भाई आपकी वीडियो। और अगर एक बात आपको और बता दूं, जो भी वीडियो में प्रॉब्लम आती है वो मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।